गुर्जर महासभा के कार्यकर्ता एवं भाजपा नेता राजकुमार पटेल के हमलावरों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग को लेकर गुर्जर समाजजनों ने सोमवार को अजनास रोड स्थित गुर्जर बोर्डिंग से रैली के रूप में नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एडिशनल एसपी सूर्यकांत शर्मा को ज्ञापन सौंपकर हमलावरों की शीघ्र गिरफ्तारी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि दो दिन में आरोपी गिरफ्तार नहीं होते तो गुर्जर समाज उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी। एडिशनल एसपी ग्रामीण सूर्यकांत शर्मा ने बताया कि थाना नेमावर के अंतर्गत ग्राम सभा सड़ी के निवासी राजकुमार पटेल के साथ 28 जुलाई को रात्रि में एक घटना घटित हुई थी, जिसमें धारा 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। इन लोगों का कहना था कि आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। गुर्जर महासभा के लोगों को आश्वस्त किया है, वो व्यक्ति घायल था, उनके कथन के आधार पर आरोपी को पकड़ेंगे। आगे और भी इस घटना में किसी का नाम सामने आएगा तो उन्हें भी गिरफ्तार कर कार्यवाही की जाएगी। देवास से अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट। गुर्जर समाज के लोग आज आए थे थाना नेमावर में। 28 तारीख को राजकुमार सुभाषड़ी के रहने वाले, उनके साथ एक घटना घटी थी जिसमें धारा 307 का अपराध पंजीबद्ध है। इनका कहना था कि आरोपियों को गिरफ्तार करें। हमने इनको आश्वस्त किया है कि अभी वो घायल था, उसके कथन हुए हैं, जिसके आधार पर हम एक आरोपी को पकड़ेंगे और आगे जो भी नाम उसमें आएंगे उस सभी को गिरफ्तार करके हम इसमें चालानी कार्रवाई करने का उनको आश्वासन दिया है। दो दिन पूर्व जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा नेता हमारे भाई राजकुमार गुर्जर के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उसके विरोध में आज गुर्जर समाज एकत्रित होकर यहां पर एडिशनल एसपी साहब और एसडीएम साहब को महामहिम राज्यपाल और महामहिम डीजीपी साहब के नाम ज्ञापन दिया कि जल्दी से जल्दी जो राजकुमार ने कथन दिया उस कथन के आधार पर जल्दी से जल्दी जो आरोपी जो षडयंत्र में है उन्हें गिरफ्तार करके जल्दी से जल्दी उसकी कार्रवाई करें और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की।